हे व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी वीडियो का जो ये एंड स्क्रीन होता है जिसमें हमारी दो वीडियो या प्लेलिस्ट या अपने चैनल का लोगो होता है वो कैसे लेके आना चाहिए, मतलब लेके आते हैं। तो ये एकदम नए, अगर ये आपके में तभी होगा जब आप अपने क्रोम को अपडेट कर लेंगे प्ले स्टोर से जाके। तो सबसे पहले जाके प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना, फिर ये प्रोसेस करना जो कि मैं बता रहा हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना वरना आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ही छोड़ दोगे, क्या पता। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड उसके बाद गाइस आपको ऐसा सा पेज देखने को मिल जाएगा जब आप वो खोलेंगे। फिर आपको यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाके, एक मिनट, यहाँ पे आपको एक वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने सर्कल करा है। गाइस आपको उस वीडियो ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास फिर कुछ ऐसा सा पेज खुल जाएगा। इसमें अगर आपको, जैसे मैंने चूज़ की अपनी माइनक्राफ्ट की वीडियो चूज़ कर ली। उसके बाद इस वहाँ पे पेंसिल वाले बटन पे जाना है और फिर यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन दिख रहा होगा, एंड स्क्रीन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको ऐसा सा पेज देखने को मिल जाएगा जब आप वो खोलेंगे। फिर आपको यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाके, एक मिनट, यहाँ पे आपको एक वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने सर्कल करा है। गाइस आपको उस वीडियो ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास फिर कुछ ऐसा सा पेज खुल जाएगा। इसमें अगर आपको, जैसे मैंने चूज़ की अपनी माइनक्राफ्ट की वीडियो चूज़ कर ली। उसके बाद इस वहाँ पे पेंसिल वाले बटन पे जाना है और फिर यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन दिख रहा होगा, एंड स्क्रीन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा सा खुल जाएगा, ये तो मैंने लगा रखा है इसलिए है, लेकिन मैं आपको पूरा करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं सबसे पहले सब चीज़ डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट गाइस। हाँ सो गाइस अभी डिलीट हो गया, सब कुछ एकदम ब्लैंक है अभी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब दिख रहे होंगे कि हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो आपको सबसे ऊपर वाले पे जाना है। सबसे ऊपर वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे खुल जाएगा वो, एक मिनट, यहाँ पे खुल जाएगा वो। इसके बाद आप उसको अपने हिसाब से कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपको वो वीडियो पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको उसको चेंज करना है। फिर आपको वीडियो जो पेंसिल वाला यहाँ पे बटन दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, ये वाला पेंसिल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको वो वीडियो चूज़ करनी है जिस पे आप अपने जिसको आप लगाना चाहते हैं। तो मैंने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो की और सेकंड वाले पे भी आप कुछ ऐसे ही करके चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो सेव ऑप्शन दिख रहा है उसको सेव कर देना है। इसके बाद ये आपका हो जाएगा एकदम, ये सेव हो जाएगा। फिर आपका आपकी वीडियो के एंड में आपको वो दिखाई देगा जो भी व्यूवर्स उसको देख रहे होंगे। सो गाइस ऐसे आप अपनी एंड स्क्रीन पर लगा सकते हैं अपना चैनल का लोगो और दो वीडियो या प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेलिस्ट कैसे करना है। फिर से आपको एंड स्क्रीन पे जाना है और उस वीडियो पे क्लिक करने के बाद डिलीट कर देना है। और एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। और फिर आपको जितने प्लेलिस्ट हैं मैंने बनाए हैं मेरे सामने हैं वो, तो मैं जैसे एमोंगस की मैंने प्लेलिस्ट ले ली तो यहाँ पे एमोंगस की प्लेलिस्ट आ गई। फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ऐसे हो जाएगी फिर आपकी एक प्लेलिस्ट और एक वीडियो। सो ऐसे आप प्लेलिस्ट वीडियो अपनी जो भी है ऐड कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गई होगी ये वीडियो के में कि कैसे एंड स्क्रीन लाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।